is from the ether part. So this is like almost to the end of the chapter. So in case you remember, जो पहले मैंने आपको मेथड बताया था ईथर के प्रिपरेशन के बारे में, दैट वाज यू नो प्रिपरेशन ऑफ ईथर फ्रॉम अल्कोहल बाय द डिहाइड्रेशन प्रोसेस, राइट? बट देयर वाज अ डिमेरिट, देयर वाज अ ड्रॉबैक, एंड दैट वाज यू नो यू कैन नॉट प्रिपेयर यू नो ईथर फ्रॉम एन अल्कोहल विच इज सेकेंडरी एंड टर्शियरी, राइट? तो उस डिमेरिट्स को रिजॉल्व करने के लिए, वो फिर से बता रहा हूँ, आप अल्कोहलिक डिहाइड्रेशन से यू नो ईथर नहीं बना सकते हैं अगर आपका अल्कोहल सेकेंडरी और टर्शियरी है तो, ठीक है? क्योंकि वहां पे एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन से बन जाएगा वो एल्कीन। तो उसी को रिजॉल्व करने के लिए ये टॉपिक बनाया गया, ये मेथड बनाया गया विलियमसन सिंथेसिस, जिससे आप किसी भी तरह के अल्कोहल को यूज करके और हर तरह के ईथर को आप बना सकते हो। क्वेश्चन होता है कि इस विलियमसन सिंथेसिस के रिएक्शन में क्या करते हैं। तो इन शॉर्ट आउट ब्रीफ कि आपको सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट करना है अल्काइल हैलाइड को, ठीक है? तो जब एक अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तब ईथर बनता है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म है। मैं दो तीन इसके एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही रिक्वायर्ड है, वो मैं आपको बताऊंगा, एंड देन यू नो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो सो द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम एल्कोक्साइड produce ether of both symmetrical and unsymmetrical type, both symmetrical and unsymmetrical type. Symmetrical type. ठीक है, अब इसके एडवांटेज की बात करते हैं, उसके बाद मैं रिएक्शन बताता हूं। एडवांटेज ये है, वी कैन यूज इवन सेकेंड डिग्री अल्कोहल एंड थ्री डिग्री यू नो लेट्स मेक इट अल्कोक्साइड, टू डिग्री अल्कोक्साइड अल्कोक्साइड एंड थ्री डिग्री अल्कोक्साइड, विच कैन नॉट बी यूज्ड इन अल्कोहलिक डिहाइड्रेशन प्रोसेस। Alcoholic dehydration process. ये ध्यान रखना, मैं पूरी बात को, मे बी वीडियो थोड़ा स्लो होता हो, बट ये मेरा पर्पस है कि आई वॉन्ट टू मेक यू एवरीथिंग वेरी क्लियर, थ्योरेटिकल पार्ट, इक्वेशन पार्ट, न्यूमेरिकल पार्ट, राइट? सो दैट्स वाई आई एम राइटिंग एवरीथिंग। तो एडवांटेज क्या हो गया कि हम सेकेंड डिग्री अल्कोक्साइड, याद रखना अल्कोक्साइड भी अल्कोहल से ही बनता है। जब आप एक अल्कोहल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करोगे तो वो अल्कोक्साइड बनता है, और फिर उस अल्कोक्साइड को आप अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाओ तो ईथर बनेगा। तो हम इस प्रोसेस में टू डिग्री अल्कोक्साइड और थ्री डिग्री अल्कोक्साइड, यानी टू डिग्री अल्कोहल और थ्री डिग्री अल्कोहल को भी यूज करके ईथर को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है? अब चलो इसमें बात करते हैं, पहले रिएक्शन की बात करते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आप इसमें रिएक्शन करवाते हो एक सोडियम एल्कोक्साइड का, और इसको आप यू नो रिएक्ट करते हो अल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल रिएक्शन मैकेनिज्म है कि जब ये बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो दिस हैलोजन विल कम आउट एज ए नेगेटिव एंड आर विल कम आउट एज ए पॉजिटिव। यहाँ पर भी ओ और एन ए के बीच का बॉन्ड क्लीवेज होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा फर्क है। तो यहाँ सोडियम प्लस चार्ज के फॉर्म में और ये पूरा एक माइनस चार्ज के फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करना है, दिस एल्कोक्साइड को आपको रिएक्ट करवा देना है आर के साथ, तो ये बन गया आपका ईथर, आर ओ आर। अभी एल्कोक्साइड आपका ये जो अल्काइल ग्रुप है वो सेम लग रहा है, ये डिफरेंट भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और दूसरा जो आपको बाई प्रोडक्ट मिलता है एन ए एक्स सोडियम हैलाइड, ठीक है? अब चलो और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आप एक यू नो
टर्शियरी अल्कोहल लेते हो या टर्शियरी आई वुड से अल्कोक्साइड, जैसे ये हमने लिया, तो जैसा देख सकते हो ये टर्शियरी अल्कोक्साइड है, 3 डिग्री अल्कोक्साइड। तो इसको अगर आप मान लो मिथाइल ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक है, तो रिएक्शन के मैकेनिज्म से बहुत ही आसान लग रहा होगा कि ये ब्रोमीन एक नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, ये पॉजिटिव चार्ज, सोडियम यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज और ये पूरा एक नेगेटिव चार्ज, तो यानी आपको मिलेगा जो प्रोडक्ट है वो ये, यानी टर्शियरी यू नो ईथर भी आपको प्रोड्यूस हो गया, टर्शियरी ईथर भी प्रोड्यूस हो गया और साथ में एक सोडियम ब्रोमाइड एक बाय प्रोडक्ट हुआ, सोडियम ब्रोमाइड। अब यहाँ पर यू नो आप सेकेंडरी लेना चाहते हो, सेकेंडरी ले लो। चलो हम एक सेकेंडरी इक्वेशन करके देखते हैं। सेकेंडरी में ये एक सेकेंडरी एल्कोक्साइड है, राइट, ये हमारा 2 डिग्री है। और अगर आप इसको रिएक्ट करना चाहते हो यू नो आपकी बार कुछ और ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि आप लेते हो सेकेंडरी, ये हो गया आपका प्राइमरी यू नो क्लोरीथेन है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ये वाला क्या है, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ध्यान रखना छोटी छोटी बातों को। तो जब आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड लोगे तो अगेन आपको क्या करना है, सोडियम के साथ क्लोरीन को रिएक्ट करना, तो आपको एक बाई प्रोडक्ट मिलेगा NaCl, जो दूसरा बाई प्रोडक्ट मिलेगा, बाई मेन प्रोडक्ट मिलेगा वो एक ईथर होगा और वो ईथर है ये, ठीक है, ओ एंड फाइनली ये मिला, तो ये एक ईथर है। अब ये देख सकते हो कि ये भी क्या है हमारा यू नो सेकेंडरी एल्कोक्साइड से प्रोड्यूस हो रहा है। बट अब एक प्रॉब्लम मैं बताने जा रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या है कि आप इन सारे रिएक्शंस में अल्काइल हैलाइड आप टर्शियरी नहीं ले सकते हो, सिर्फ आप प्राइमरी ले रहे हो, नॉर्मल ले रहे हो, सेकेंडरी ले रहे हो, आप टर्शियरी नहीं ले सकते, बल्कि सेकेंडरी भी नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट को बताने के लिए मैं पहले इसको रिमूव करता हूं, ठीक है, ड्रॉबैक, विलियमसन सिंथेसिस के ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं। वी कैन नॉट यूज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, जो हमारा दूसरा रिएजेंट था वो 3 डिग्री आप यूज नहीं कर सकते हो अल्काइल हैलाइड, ठीक है, बिकॉज अगर आप अल्काइल हैलाइड यूज करोगे 3 डिग्री का तो ये सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, एलिमिनेशन करेगा, इट विल अंडरगो एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से मतलब है एटम्स का बाहर निकलना, एंड इट विल प्रोड्यूस एल्कीन, इट विल प्रोड्यूस एल्कीन, प्रोड्यूस एल्कीन। तो यहां पे आप ध्यान रखना, इस विलियमसन सिंथेसिस की एक सबसे बड़ी डिमेरिट है कि आप इसमें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप टर्शियरी अल्काइल हैलाइड यूज करते हो ये वाला, तो आपको प्रोडक्ट ईथर नहीं मिलेगा, एल्कीन मिलेगा। चलो चेक करते हैं क्या है। चलो अभी हम क्या कर रहे हैं कि जो अल्काइल हैलाइड है वो हम टर्शियरी ले रहे हैं, तो अब देखो आप ये टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ना, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये हमारा 3 डिग्री है और आप एल्कोक्साइड नॉर्मल ले रहे हो, एल्कोक्साइड नॉर्मल ले रहे हो, तो इन दैट केस मैकेनिज्म आपको देख के लगता हुआ कि अरे ये भी तो ईथर बनेगा, बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है ये SN2 रिएक्शन को फॉलो करके क्या करता है, वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है और ईथर नहीं बनता। तो इस बार क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, इस बार यहां ध्यान रखना है कि एक अल्कोहल बनेगा, ध्यान रखना एक अल्कोहल, एक सोडियम ब्रोमाइड। चलो मैं पहले सोडियम और ब्रोमीन को अलग कर रहा हूं, इसको मैं प्लस और इसको माइनस, तो इसको हमने अलग किया, ये बन गया क्या, सोडियम ब्रोमाइड। दूसरा ये RO किसी एक यू नो यहां से कहीं से भी इधर इधर या इधर में से एक हाइड्रोजन टूटेगा और इस वजह से यहां पे इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास बढ़ जाएगा, बाद में यहीं पे एक डबल बॉन्ड, तो ये जो H है ये O के साथ आकर के ROH बन गया,
ROH यानी अल्कोहल बन गया, और फाइनली जो बचा वो यहां पे एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, फाइनली यहां पे क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो ये है आपका एक एल्कीन, राइट, ये एक अल्कोहल बना और बाकी बाई प्रोडक्ट तो है ही। ये मत कहना कि मैंने मेन प्रोडक्ट को बाद में लिखाया, बस वो मेरी मर्जी होती है, समझ में आ गया होगा। तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो विलियमसन सिंथेसिस से हर तरह का ईथर बना सकते हैं हम जो अल्कोहलिक डिहाइड्रेशन से नहीं बनता है, लेकिन इससे बन जाएगा। बट इसकी भी एक डिमेरिट क्या है कि आपको अल्काइल हैलाइड ये ध्यान रखना है कि सेकेंडरी और टर्शियरी नहीं लेना है, क्योंकि सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में ईथर नहीं बन करके एल्कीन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो पूरा विलियमसन सिंथेसिस का रिएक्शन है ये SN2 रिएक्शन को फॉलो करता है। तो मैं यहाँ पे उसको थोड़ा स्पेस क्रिएट करके लिख देता हूँ। विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन फॉलो, रिएक्शन फॉलो SN2 मैकेनिज्म। आई होप SN2 मैकेनिज्म आपको क्लियर है। अगर नहीं है तो आई वुड से गो एंड यू नो चेक आउट द प्लेलिस्ट और द वीडियो फॉर चैप्टर 10, यू नो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। वहाँ पे भी आपको उस चैप्टर का एक एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक एक पेज से हर टॉपिक को हाईलाइट करके मैंने बता रखा है, एंड दैट विल ऑल्सो गोइंग टू बी रियली वेरी इजी। नाउ लेट्स प्रिपेयर यू नो ईथर यूजिंग फिनॉल। सो फार वॉट वी वर डूइंग, वी आर प्रिपेयरिंग यू नो ईथर फ्रॉम एल्कोहल। तो अभी देखते हैं कि अगर फिनॉल को यूज करके ईथर बनता है विलियमसन सिंथेसिस से तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा फिनॉल है। अब आप फिनॉल को सबसे पहले क्या करो कि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर लो। तो ये एक पुराना रिएक्शन है जिसके अकॉर्डिंग सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा और ये बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। दिस कन्वर्ट्स इंटू सोडियम फिनॉक्साइड। फिर उसके बाद यू नो साथ में एक आपको बाय प्रोडक्ट मिलेगा वाटर, बट आप इस वाटर को इग्नोर करो। आगे आपको क्या करना है, इसको अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करना है, अल्काइल हैलाइड से। तो जैसा मैंने कहा था कि ये नेगेटिव पार्ट है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, सिमिलरली ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये इसका नेगेटिव पार्ट है। तो अब आप क्या करोगे इस रिएक्शन को आगे करने के लिए, सोडियम को हैलोजन के साथ मिलाओगे तो दिस बिकम सोडियम हैलाइड विच इज अ बाय प्रोडक्ट, और दूसरा प्रोडक्ट आपको मिलेगा सोडियम की जगह पे आर लग जाएगा। तो इस तरीके से यू नो फिनॉल से ईथर बनाया जाता है, ओ एंड देन देर इज आर। वॉट दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एल्कॉक्सी बेंजीन, दिस इज कॉल्ड एल्कॉक्सी बेंजीन। तो विलियमसन सिंथेसिस का यूज आप यू नो एल्कॉक्सी बेंजीन को बनाने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, तो दैट यू नो दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस तरीके से यू नो चाहो तो एक और एग्जांपल मैं आपको एडिट करके बताता हूं, एंड दैट्स गोइंग टू बी द लास्ट। मान लो आपने यू नो सोडियम फिनॉक्साइड बना रखा है, सोडियम फिनॉक्साइड आपने बना रखा है, सो दिस इज योर सोडियम फिनॉक्साइड, और आप इसको रिएक्ट करवा रहे हो बेंजाइल और हेलोबेंजीन से। इसको आप रिएक्ट करवा रहे हो किससे, हेलोबेंजीन से। तो फिर अगेन क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव एंड दिस वुड बी नेगेटिव। तो आपको इससे क्या मिल जाएगा, इससे जो ईथर बनेगा वो ईथर होगा कुछ ये। ठीक है, मैं इसको यहां लगा देता हूं, दिस विल लुक अ बिट सुटेबल, एंड साथ में एक और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaX। एंड व्हाट दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड डाइफिनाइल ईथर। इसका कॉमन नाम है डाइफिनाइल ईथर। ठीक है, और फिनॉक्सी बेंजीन, यू कैन से फिनॉक्सी बेंजीन, बेंजीन ये इसका लाइक आई सेड कॉमन नेम है और ये इसका IUPAC है। तो विलियमसन सिंथेसिस से आप हर तरह के प्रोडक्ट को बना सकते हो। उम्मीद करता हूं ये सारा क्लियर हो गया होगा।